नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं वैश गुवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पुलिस कर्मचारियों को पटाने की कोशिश की है, तो उन्होंने प्रदेश के तमाम पुलिस कर्मियों को खुश करने के लिए बड़ी घोषणा कर दी। कमलनाथ ने ट्वीट कर घोषणा की है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा, 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। और आपको जानकारी दे दे कि जो कमी बची हुई है उसको दूर किया जाएगा। आवास भत्ता 5,000 प्रति माह किया जाएगा, प्रतिदिन की ड्यूटी समय में भी कमी की जाएगी, और साथ ही पुलिस को काम करने के लिए तनाव मुक्त वातावरण देने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन नेहा बग्गा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। नेहा जी, बड़ी घोषणा यहाँ पर की है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, किस तरह से देखती है, रिएक्शन चाहूंगी आपका। देखिए, कमलनाथ जी और सिंधिया जी एक तरफ तो चुनावी मैदान से दौड़ के भाग चुके हैं, बाहर निकल गए हैं, और जब वो अपनी हार को निश्चित होता हुआ देख रहे हैं प्रदेश में, तो रोज ट्वीट के माध्यम से एक नई नई घोषणाएं लेकर आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी से और उनके अध्यक्ष से कि जब वचन पत्र लेकर आए तो क्यों नहीं याद आई उन्हें पुलिस कर्मियों की, क्यों नहीं याद आई उन्हें संविदा कर्मियों की, आज नए नए चीजों को लेकर क्यों आ रहे हैं। नेहा जी, संविदा कर्मचारियों का जिक्र आपने किया है यहाँ पे, नेहा जी सुनिए ना, संविदा कर्मचारियों का जिक्र आपने किया है, कल की ही अगर हम बात करते हैं तो तमाम 1,00,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने पीसीसी चीफ के घर जाते हैं, वहाँ पे जाके कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का भी ऐलान करते हैं। इसी प्रकार से आप ये भी देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हर वर्ग के व्यक्ति मिल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों का ध्यान रखा है, सभी के विकास की, सभी को साथ लेकर चलने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कार्य करती आई है और सभी वर्गों का ध्यान रखती आई है। आज जब कांग्रेस पिछले 15 साल से धरातल पर दिखकर काम नहीं कर रही थी, जनता के बीच में नहीं थी, तो आज ट्वीट के माध्यम से अलग अलग घोषणाएं करने का क्या फायदा है। ऐसे कई ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं के द्वारा भी किए जाते हैं, चर्चा हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। सैयद जफर जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त, कांग्रेस पार्टी से स्पोक पर्सन है, आप बने रहिए नेहा जी। सैयद साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी मैम। सैयद साहब, बहुत यहाँ पे ट्वीट के जरिए एक बड़ा ऐलान कर गए हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, पुलिस कर्मियों को साधने की कोशिश, किस तरह से देखते हैं, रिएक्शन चाहूंगी सबसे पहले आपका। देखिए, उस कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिनसे कि पूरे मध्यप्रदेश का वर्ग जो है वो नाराज है, इन्होंने हर वर्ग को ठगा है। अगर हम ये कहते हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को नियमित करेंगे, हम ये कहते हैं कि हम संविदा कर्मचारी को नियमित करेंगे, हम ये कहते हैं कि संविदा कर्मचारी को जो निष्कासित हो गए हैं उनको हम नौकरी में वापस लेके आएंगे, अगर हम ये कहते हैं कि हम पुलिस विभाग को हफ्ते में एक दिन छुट्टी देंगे, ये सब मानवीय दृष्टिकोण है ना, ये कोई राजनीतिक थोड़ी है। और कमलनाथ जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास एक रोड मैप है, हम ये कहते हैं कि, लेकिन जफर साहब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी और सिंधिया जी मैदान छोड़ के भाग चुके हैं और सिर्फ ट्वीट के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 2 दिन के लिए मध्यप्रदेश के दौरे में हैं, और बुधनी विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ही आज वहां पे उनका प्रचार होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हम 6,500 करोड़ के बजट को 9,000 करोड़ करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमने क्रिटिकल की बात कर रहे हैं। नेहा जी से सवाल का जवाब ले लूं। नेहा जी, कौन सा चश्मा लगाया है आप लोगों ने जो इन लोगों की बातों पर आपको यकीन नहीं है? और दूसरा सवाल ये, सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले नेहा जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास रोड मैप है तो भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप क्यों नहीं? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं अपने अध्यक्ष राहुल गांधी जी की, जो फैक्ट्री से आलू उगाने का काम करते हैं, आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि शहडोल में जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की सभा थी वहां से राहुल गांधी जी भाग गए थे। तो भागने का काम जो है वो निरंतर कांग्रेस पार्टी करती आई है, और जब उन्हें धरातल पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से, तो इनकी घबराहट दिख रही है ट्वीट के माध्यम से, जनता के बीच में पिछले 15 सालों से तो नहीं दिखे, 4 अलग संभागों में आप जाते हैं, तो कौन सी घबराहट है, कौन सी घबराहट है सैयद साहब?
नहीं, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इनसे ये पूछिए कि क्या पुलिस वालों को एक दिन की छुट्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप इनसे ये पूछिए, आप इनसे ये पूछिए क्या पुलिस वालों को जो इन्होंने दिन का 100 रुपए का खाना देते हैं वो सही है या गलत है। आप इनसे ये पूछिए ना कि हम ये कह रहे हैं कि हम पुलिस वालों का जो वर्किंग आवर है उसको हम कम करेंगे, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बुराई क्या है अगर कांग्रेस पार्टी, नेहा जी सुनिए ना, सवाल जिस तरह से जफर साहब पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास ये रोड मैप है तो आपके पास क्यों नहीं, 15 साल से आप सरकार में हैं। सरकार का कोई रोड मैप था तो आप बेचारा ये अपना जो पत्र लेकर आए थे वचन पत्र, आप उसमें क्यों भूल गए? ये वो पार्टी है जो वचन पत्र लेकर आती है और अपने वचनों पर अटल नहीं रहती। अभी तो वचन पत्र इनका धरातल पर आया भी नहीं है, रोज एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। पहले अपने वचन पत्र की योजनाओं को तो पूरा करिए, और जो सबके विकास की बात है चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, पुलिस कर्मी हो, संविदा कर्मचारी हो, सभी के लिए निरंतर भाजपा की सरकार ने कार्य करने बिल्कुल का नेहा जी तभी तभी कल संविदा कर्मचारी जिनकी 1 लाख से ज्यादा संख्या बताई जाती है सीधे पीसीसी चीफ के बंगले जाते हैं और समर्थन देने का ऐलान भी करते हैं। देखिए लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस इस प्रकार की कोई ना कोई रोज नई चीजें लेकर आ रही है। कभी वोटों के ध्रुवीकरण की काम आप देखेंगे, इनके लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मैडम वोटों के ध्रुवीकरण की अगर बात की जाए, जफर साहब आपसे भी मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी, वोटों की ध्रुवीकरण की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां कम नहीं है। आपकी पार्टी की ही अगर मैं बात करूं तो सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए आपकी, सुन लीजिए नेहा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, फिर इसी सवाल का जवाब मैं जफर साहब से लूंगी। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आपकी ही पार्टी के और आपकी ही भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं रोस्तम सिंह, वो वोटों मतलब जाति के आधार पर वोट की मांग करते हैं। आपके महितपुर के कैंडिडेट की बात करें तो वो भी मतलब वोटों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ये कितना जायज है? आप पिछले दिनों की 3-4 घटनाएं देख लीजिए कि अरे मैडम आप आपकी पार्टी पे बात आई तो आप जवाब नहीं देंगी, आप मतलब चीजों को और टाल मटोल रही हैं। आप जफर साहब वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप आप पर भी लग रहा है, बहुत संक्षेप में आंसर चाहूंगी आपसे। बहुत अच्छी बात आपने निकाली, आप मुझे बताइए कि पुलिस वालों की वोटिंग हो चुकी है, इनसे पूछ लीजिए। अगर हमको वोटों की राजनीति करना होता तो हम पुलिस वालों के बारे में वोटिंग के बाद बात नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि हम मानवीय दृष्टिकोण से सरकार चलाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को एक दिन की छुट्टी देना चाहिए, इनसे पूछिए ना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को हम उनके ड्यूटी आवर्स को कम करेंगे, उस पर जवाब दिमागी ना प्लीज इनसे। नेहा जी बहुत संक्षेप में आंसर चाहूंगी आपसे क्योंकि उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। नहीं, निश्चित ही अगर किसी भी वर्ग का किसी चीज से फायदा पहुंचता है तो वो कार्य होना चाहिए, पर ट्वीट के माध्यम से रोज एक नई चीज लेकर आना और धरातल पर कोई काम नहीं करना, ये सिर्फ कांग्रेस। चलिए ठीक है, विचारधारा है। ठीक है चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए।